हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीकॉम सेम फाइव के कॉस्ट अकाउंटिंग के छोटे छोटे जो सम है, दो तीन मार्क्स में अगर पूछा सकते हैं ऐसे सम के बारे में हम यहां पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हम जो है ये वीडियो जो हमारा है ये चैप्टर वन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद चैप्टर टू चैप्टर थ्री के वीडियो लगातार मैं अपलोड करता रहूँगा, आप उसे देखना ना भूले। अगर आपको सम समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको समझ में नहीं आया, तो उसका आंसर मैं दूंगा, उसकी नई वीडियो मैं आपको ला कर दूंगा। तो हो सकेगा तो मैं आपको नई वीडियो ला कर अपलोड करूँगा। और इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग तो ये वीडियो है, इसके अलावा स्टेट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप ज़रूर उसे देख लीजिए। आज के इस वीडियो है छोटे छोटे सम के बारे में, ये पेज नंबर 20 अगर आपकी ओल्ड बुक है तो पेज नंबर 20 है, ये देख लीजिए। सबसे फर्स्ट मेथड है, उसमें क्या कहा गया कि एक कंपनी में ए बी सी नामनी त्रण संयुक्त पैदाशो छे, उत्पादन थती होय छे, संयुक्त पड़तर 25,000, तीनू उत्पादन 5,000, 3,000 અને 2,000 હોય તો ઉત્પાદનની ફાળવણીનું પ્રમાણ શોધો। તો હમે ક્યા કરના હૈ, યે 25,000 હૈ, ઉસકા 25,000 ટોટલ હમારા પડતર હૈ, ઉસમેં સે હમે રેશિયો નિકા યે જો હમારા ઉત્પાદન હુઆ હૈ 5,000, 3,000 ઓર 2,000, યે સબકા હમે રેશિયો નિકાલના હૈ। તો હમારા રેશિયો આયેગા 5:3:2, હમારા યે રેશિયો આયેગા। તો હમે ક્યા કરના હૈ, ये 25,000 का 25,000 सबसे फर्स्ट है, 25,000 5/10 तो हमारा 12,500 आंसर आएगा। इसी तरह 25,000 3/10 तो हमारा 7,500, और 25,000 × 2/10 तो हमारा 5,000 आंसर आ जाएगा। इसी तरह दूसरी मेथड है कि सापेक्ष विचारण मूल्य ना प्रमाण में, ठीक है, ए बी संयुक्त पैदाशो है जेनी वेचाण किंमत अनुक्रमे 50-60 है, बी ए ना 400 एकमो अने बी ना 500 एकमों उत्पादन थाय छे, तो संयुक्त पड़तर 25,000 है। तो अब हमें क्या करना है कि 400 एकम है जो हमारा उत्पादन होता है, 400 × 50 और 500 × 60, तो अब 20,000 और 30,000 हमें आएगा। इसका रेशियो हम निकालेंगे तो 2:3 होगा। रेशियो निकालने के लिए आपको पीछे के जो मिंडे जीरो दिख रहा है उसको आपको उड़ा देना है, बाकी जो बचे वो आपका रेशियो। इसी तरह ये 25,000 × 2/5 तो इज इक्वल टू 10,000, और 25,000 × 3/5 तो 5,000। अब आपकी ये तीसरी मेथड है, अलग प्रक्रिया खर्चा बात करिए पची, तो ए बी सी संयुक्त पैदाशो है, अनुक्रमे 1,500 एकमों उत्पादन थाय छे, संयुक्त खर्च 11,000 है, वधारा खर्चा 5,000, 2,500 है, वेचाण किंमत 20, 15 और 8,000, तो तेनी खर्चनी फाळवणी करो। तो ये हमें वधारना जो खर्चा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा उत्पादन कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ, और उसका कॉस्ट जो है वो 20 रुपये, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5,000 × 15 और 500 × 8। तो अब वधारना खर्चा जो हमारा है उसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, 5,000, 2,500 तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15,000, 5,000 और 2,000 आएगा। तो इस पे से हमें इसको रेशियो निकालना है, तो हमारा पीछे के तीन मिंडे उड़ जाएंगे इधर भी और इधर भी, तो हमारा रेशियो जो बचेगा 15:5:2, ये हमारा रेशियो आएगा। अब हमारा टोटल उत्पादन कितना है, ये जो टोटल है टोटल संयुक्त खर्चा कितने हमारे 11,000 है, तो इसको हमें 11,000 × 15/22, 22 कहाँ से आया, तो ये दोस्तों ये तीनों तीन का टोटल है, 11,000 × 5/22, तो हमारा ये वाला आंसर मिल जाएगा। इसी तरह एकमोनी भारित श्रेयस पद्धति, ए
એનું ઉત્પાદન 5000, બીનું ઉત્પાદન 3000, એનો ભાર 3, બીનો ભાર 2, તો ભારી સરેરાશ કેટલો? તેનો સંયુક્ત ખર્ચ 42000 છે. તો સૌથી પહેલાં આપકો ક્યાં કરના હૈ, 5000 × 3, 5000 ×, એ 5000 હે, 5000 × 3, 3000 × 2, તો હમારા આન્સર આયેગા 15000 × 6000. તો એ હમારા 15:6 હમારા રેશિયો હુઆ. इसको हमें 42000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42000 × 15/21, 42000 × 6/21, तो हमारा आंसर आ गया 3000 और 12000. इसके बाद ये लास्ट है, एकमदित वेचाण कीमत ना प्रमाण में ए बी सी संयुक्त पैदाशो है जेमनी वेचाण कीमत 5:4:2 है, तो तेना संयुक्त खर्चा 11000 है. तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सी है, हमें यहाँ पर रेशियो दे दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, 11000 × 5/11, 11000 × 4/11 और 11000 × 2/11. तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया. दोस्तों ये बीकॉम सेम फाइव कॉस्ट अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो, चैप्टर 1 की लास्ट वीडियो थी. इसके बाद मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियो बनाता रहूँगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें. तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए. चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में.